आज हमारी एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूले कोर्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्सेल है क्या, कैसे कैसे यूज किया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह, सारी वो थ्योरिकल पार्ट थी, सत्यनारायण की कथा थी तो आपने सुना। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑफिस में यूज होने वाली चीजों के बारे में। तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड की। अब सिलेक्शन जो है पहली क्लास में क्यों है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेल में कुछ कुछ भी फीचर अप्लाई करने चाहते हैं तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने डेटा को। जितना डेटा आप सिलेक्ट करके रखेंगे उतने ही डेटा पे आपका वो फीचर अप्लाई होगा, जैसे कि पिवट टेबल, फिल्टर, शॉर्टिंग, चार्ट्स, कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह। तो सिलेक्शन करने के क्या तरीके हैं आज हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आप लोग बहुत सारे तरीके जानते होंगे, फिर भी मैं सिलेबस को फॉलो करता हूं और हर एक चीज बताता हूं, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जनरली आप सिलेक्ट करते हैं माउस से, माउस को क्लिक को होल्ड रखते हुए मूव करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है इस तरह से। अब इसमें बात आती है कि अगर माउस से ही आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्लिक करके होल्ड करते हुए ड्रैग करने के बजाय आप स्टार्टिंग में क्लिक करें, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। ठीक है, मैं दोबारा ध्यान से बताता हूं। आप स्टार्टिंग में जाएं, शिफ्ट की को होल्ड करें और सबसे लास्ट में आए, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में सिलेक्शन हम करते हैं कि हम लोग शिफ्ट प्रेस करते हैं और माउस की को इस तरह से मूव करते हैं और डेटा हमारा सिलेक्ट होता है इस तरह से, शिफ्ट और एरो की को मूव करते हैं और डेटा सिलेक्ट होता है। अब कुछ जो है चीजें बताते हैं आपको, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल और ए, कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी डेटा सिलेक्ट हो जाती है। अब ये आप लोग भ्रम में है कि पूरा डेटा सिलेक्ट होता है, ये गलत है, ये चीजें आप गलत है क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशंस है। जैसे कि आपका एक कोई ब्लैंक सीरीज है आपका, अब मैं कंट्रोल ए करूंगा तो उस ब्लैंक से पहले सिलेक्ट होगा, चाहे कॉलन हो चाहे रो हो, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही ब्लैंक रो आएगा, ब्लैंक कॉलन आएगा, वो क्या होगा, वो उसके आगे नहीं जाएगा। तो पूरी की पूरी कॉलम ब्लैंक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं टू लिख दिया तो अब जो है ब्लैंक नहीं रहा, पूरा सिलेक्ट कर लेगा। एक छोटा सा एरिया, एक छोटा एक किसी से अगर वैल्यू है तो ब्लैंक नहीं मानेगा, लेकिन पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो दिक्कत होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम कंट्रोल ए करते हैं वो सिलेक्ट ऑल नहीं होता है, सिलेक्ट करेंट रीजन होता है। आप होम मेनू बार के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल देखेंगे, इस पे क्लिक कीजिए, यहीं पे आपको दिखेगा करेंट रीजन। करेंट रीजन पे क्लिक किया देन ओके आपका सिलेक्ट होगा। क्लियर अमित जी, मैम क्लियर है? जी सर। हेलो अमित जी। जी सर क्लियर आएगा, समझ में आ गया सर? जी सर, जी सर। चलिए कंफ्यूजन का तो पूछ लीजिएगा सर। ठीक। अब बात करते हैं कि आप कर्सर को कैसे मूव करेंगे। जैसे मुझे सबसे लास्ट में नीचे आना है तो एरो की से एक एक करके आएंगे तो टाइम लगेगा। सिंपल सा तरीका है कि कंट्रोल को होल्ड करें एंड डाउन एरो की प्रेस करें, सबसे नीचे आ जाएंगे, राइट अप लेफ्ट इस तरह से। और आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाएंगे और देखिए राइट डाउन आपका सिलेक्शन हो गया। इसको यूज कब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ फालतू डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, आप कंट्रोल ए करोगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा।
आपको ये सिलेक्शन नहीं करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, सिलेक्शन हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा काफी ज्यादा होता है, जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा डेटा को कॉपी पेस्ट करके रिपीट कर देता हूं, बढ़ जाएगा। अब मुझे सबसे लास्ट पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा यहां कर्सर रखेंगे, कंट्रोल एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। लेकिन कंट्रोल डाउन एरो तभी यूज हो रहा है जब इसके बीच में कोई ब्लैंक रो नहीं है। जैसे कोई ब्लैंक रो यहां पे आता है तो आप दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो गई ना सर। अब इसका तरीका ये है कि कोई ऐसा एक कॉलन है जिसमें ब्लैंक नहीं है, उसके थ्रू चल जाइए नीचे, लेकिन सारे जो ब्लैंक है सिर्फ एक में नहीं, सारे रो के अंदर है, तो क्या करें, ऊपर आपको दिख रहा होगा नेम बॉक्स, एक कंसेप्ट हम लोग वीवी प्रोग्रामिंग भी यूज करते हैं, ए 65,000 एंटर प्रेस किया, अब यहां पर आ गए, सबसे ए 65,000 पे आ गए, अब यहां से कंट्रोल अप कर दीजिए, सबसे लास्ट में पहुंच जाए, ठीक है अमित जी। जी सर, तो ये तरीके हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे होम और एंड बटन से भी हो सकता है ना सर? हाँ, मैं वही बताता हूँ, वो भी आ रहा हूँ सर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड की का, जैसे कि आपने बोला जैसे एंड बटन आप दबाते हैं तो नीचे यहाँ पे देखिए एंड मोड आ जाता है, आ गया। अब जैसे एंड पे प्रेस करेंगे सबसे लास्ट में चल जाएंगे, लेकिन अगर मैंने कंट्रोल एंड दबाया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो कंट्रोल एंड में ऐसा नहीं है कि आप अपने कॉलम के नीचे आते हो, वो आपके जो डेटा के जो लास्ट डेटा है, लास्ट रो एंड कॉलम, वहां पहुंचता है, लास्ट रो एंड कॉलम, लेकिन लास्ट रो एंड कॉलम डेटा का नहीं, यूज्ड सेल का, किसका। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, इस तरह से लिख दिया और बाद में मान लीजिए डिलीट भी कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एंड का बटन दबाया और एंड पे प्रेस किया तो कर्सर यहां पहुंचा, न कि यहां पहुंचा, क्यों, क्योंकि एंड बटन लास्ट लास्ट यूज्ड सेल को वर्क को रिप्रेजेंट करता है, किसको, लास्ट यूज्ड सेल, समझ गए। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम यहां पे कंट्रोल शिफ्ट अगर एंड करते हैं तो डेटा मेरा सिलेक्ट हो रहा है, उसी तरह से आप कंट्रोल होम करेंगे तो सबसे ऊपर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो सबके ऊपर जाएगा, राइट। अब इसमें आता है मल्टी सेल सिलेक्शन, मुझे कुछ कुछ सेल को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल को होल्ड रखिए और चीजें को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसको फॉर्मेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसको कॉपी नहीं कर सकते, ये कॉपी नहीं करेगा। अगर आपको कॉपी करना है तो आपको एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि हमने रो नंबर वन में ही हमने यहाँ पे सिलेक्शन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हम कॉपी करेंगे तो रो नंबर वन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं, कॉपी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं ए से टू कर लिया तो आपको ई कॉलम में करना है तो ई कॉलम में भी टू ही करना होगा, और एच कॉलम में कर रहे हैं तो एच भी टू ही करना होगा। जो भी रो सिलेक्ट करेंगे, कॉलम सिलेक्ट करेंगे, सेम होना चाहिए। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है चलो मैंने यहाँ पे दो रो सिलेक्ट कर लिया, सब में दो दो है, ऐसा नहीं, सेम रो एंड कॉलम होना चाहिए। देखिए नहीं हुआ सिलेक्शन, अब इसको कर लूंगा तो अब मैं कॉपी कर सकता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि हम कॉपी जो है अलग अलग जगह पे लेंगे, लेकिन जब पेस्ट होगा तो सिक्वेंसली पेस्ट होगा, क्लियर है। अब यहां पे हम बात करते हैं मल्टी शीट सिलेक्शन की, तो कई सारे शीट्स को हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि एक डेट लिखना है और मुझे इस डेट को बाकी सब पे कॉपी पेस्ट करना है, यहां पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, देखिए तो बहुत टाइम लग गया ना,
एक तरीका है कि आप एक बार में सारा कर सकते हैं। आप क्या करें, अपने पहले वाले शीट पे आ जाए, अपने शिफ्ट को, शिफ्ट की जो होता है आपका, उसको होल्ड करें और सबसे लास्ट वाले शीट पे चले जाए। आप देखिए आपका शीट वन से लेके शीट थ्री तीनों सिलेक्ट हो चुका है और ऊपर देखिए ग्रुप आ गया। ठीक है सर जी जी। अब मैं यहां पे कुछ भी टाइप करूंगा तो सारे शीट्स पे ऑटोमेटिकली होगा। देखिए हो रहा है या कॉपी पेस्ट नॉर्मल कोई भी एक्सेप्ट। इसमें नॉर्मल इंटर मारना पड़ेगा या कंट्रोल इंटर? नॉर्मल इंटर, कंट्रोल इंटर का अलग यूज है, मैं बताता हूँ उसको भी। अब इसमें मान लीजिए कि मुझे सारे शीट में नहीं, कुछ कुछ शीट पे, कुछ सिलेक्टेड शीट पे करना है, तो आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट की जगह कंट्रोल को होल्ड करें और जिस शीट पे आपको टाइप करना है उसको सिलेक्ट करें। ठीक है आप देखिए सीट फोर पे नहीं है, सीट फाइव पे है, इस पे नहीं है, सीट सिक्स पे है। ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे कंट्रोल एंटर की हम बात कर रहे हैं, देखिए आप नॉर्मली भी कोई टाइप कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक एरिया सिलेक्ट करके भी टाइप कर सकते हैं। एरिया सिलेक्ट करके टाइप कब करते थे हम, जैसे होता है क्या, जब डेटा एंट्री करते थे, बड़े बड़े डेटा को जब एंट्री करते थे हम, जैसे कि अगर हम बात करें, एक मिनट एक फाइल ओपन कर रहा हूं, इसी की बात करें, तो मुझे डेटा के इसके अंदर डेटा ऐड करना है, तो ये तो चलो ठीक है अभी एल तक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा होता है कॉलम, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम टैब चाहे एंटर प्रेस करते हैं और हम अपनी एंट्री करते चले जाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम एक ही रो में एंट्री कर रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। कभी कभी क्या होता था कि हम ऊपर यहाँ पे एंट्री करके एंटर प्रेस कर देते, कब से नीचे आ गया, इसी के आगे हम लोग क्या करते थे, एंट्री करते थे, जबकि एंट्री हमें इसमें करना चाहिए था। बात समझ रहे हैं मैम? हाँ जी, समझ में आया ना आपको क्या दिक्कत हो रही थी अभी? आपने इसको सिलेक्ट कर लिया 87 वाले रो को मुझे एडिट करना है, तो आप गए 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 यहाँ पे, गए यहाँ पे 210 की जगह पे 200 आपने 50 कर दिया। 50 करने के बाद आपने एंटर प्रेस करके कर्सर नीचे आ गया, फोन आ गया, ध्यान चला गया, अब अगली जो चेंजिंग है आपने इसी में आगे आगे की चेंजिंग करना शुरू कर दिया, तो गलत हो गया ना। तो उस केस में हम लोग क्या कर देते, रो को सिलेक्ट कर देते। अब हम अपने अब एरो की यूज नहीं करेंगे, अब हम टैब और टैब एंटर यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शिफ्ट टैब से हम पीछे आएंगे और टैब से आगे जाएंगे, एंटर से आगे जाएंगे, शिफ्ट एंटर से पीछे आएंगे और इसमें एंट्री करेंगे। इससे क्या होगा, पता है कि भाई हमारी एंट्री इसी में हो रही है, नीचे किसी और डेटा में नहीं हो रही है, तो सिलेक्शन करके एंट्री इसलिए करते हैं। तो किसी एक सिलेक्टेड एरिया में आप जो है डेटा को टाइप कर सकते हैं, लेकिन एंटर मारेंगे तो नीचे आएगा। और इसकी खासियत यह है कि उसी सिलेक्शन एरिया के अंदर भी मूव रहेगा, इससे बाहर आप टाइप नहीं कर पाएंगे। जैसे एंटर मारते फिर स्टार्ट आ गया, तो जो भी टाइपिंग होगी इसी सिलेक्टेड एरिया में होगी, एंटर या टैब प्रेस करने पर बाहर नहीं जाएगा। और एक सिलेक्टेड एरिया आपने ले लिया, अगर आपने टाइप करके नॉर्मल एंटर मारते हैं तो जो आपने लिखा है वो टाइप होगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो जो टाइप कर रहे हैं, चाहे वो एक नॉर्मल डेटा हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो या किसी तरह का फॉर्मूला हो, पूरे सिलेक्टेड एरिया में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। समझ गए सर? इसका कमांड फिर से बताएं। कंट्रोल एंटर। ओके, इसका यूज मैं बताऊंगा आगे क्लासेस में। ठीक है, इसे बहुत अच्छा यूज है, सब एक दिन पढ़ लेंगे तो सर ओवरलैप हो जाएगा। ओके
तो आपने अभी सीखा कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा, और हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में बताया। अब टाइम आती है कि बाकी ये शॉर्टकट कैसे पता चले। हमने तीन चार शॉर्टकट्स आपको बताए, लेकिन बाकी के शॉर्टकट्स कैसे पता चलेगा, समझे? तो देखिए, शॉर्टकट तो फिलहाल हम साइड रखते हैं, बात करते हैं हेल्प एंड सपोर्ट की। आपने मुझसे क्लासेस लिया, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा। लेकिन मैं हमेशा आपके लिए कॉल पर तैयार रहूंगा, इसकी गारंटी तो नहीं है। हो सकता है कि मैं दूसरी क्लास में हो, अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ तो अभी मेरा मोबाइल साइलेंट पे है, अभी कोई कॉल आएगा तो उसको पिक थोड़ी करूंगा, या मैं छुट्टी पर रहूंगा, या मैं बीमार रहूंगा, या ड्राइव करते रहूंगा, दैट टाइम तो आपके सपोर्ट के लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके सपोर्ट के लिए रहेगा, एक्सेल का सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन 6 महीना साल भर आपने इसको यूज ही नहीं किया, माइंड स्किप हो गया। अब आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए, यू कैन रिकवर। तो जैसे इस पे कर्सर लेके जाएंगे, इसका एक शॉर्ट नोट्स आपको दे देगा। दे दिया, इतने से समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो साइड में एक्सेल की इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पूरी की पूरी एक आर्टिकल आपको आ जाएगा। और आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो विथ वीडियोज, समझे? हाँ जी सर। अब इसमें कुछ स्टूडेंट हमारे कहते हैं कि सर हम तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं। देखिए, गूगल पे जो आप सर्च करते हैं, जो गूगल खुद का रिजल्ट तो गूगल देता नहीं है, कि गूगल के पास खुद की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो अलग अलग साइट की इंफॉर्मेशन लेकर आपको देता है। तो वो तो किसी न किसी साइट पे रीडायरेक्ट करेगा आपको, या किसी आर्टिकल पे, किसी ब्लॉग पे। अब जो ब्लॉग है या जो साइट है वो प्रूफ रीड तो नहीं ना है, उसको हम जैसे आप जैसे लोगों ने बनाया है, उसने दी गई सारी इंफॉर्मेशन सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने कई बार देखा भी होगा कि इंटरनेट पे आप चीजें लेते हैं, करते तो होता नहीं है। लेकिन एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सपोर्ट सिस्टम है, ये आपका यूजर मैनुअल है। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके साथ यूजर मैनुअल देता है ना आपको, दैट्स यूजर मैनुअल। यहाँ पे दी गई हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक ट्रिक्स, फॉर्मूला एकदम 100% करेक्ट होगा, समझे? अब बात आती है कि जो क्या हम किसी ना किसी ऑप्शन पे क्लिक करके ही सर्च करेंगे, कुछ और सर्च करना हो तो कैसे करेंगे? तो ऊपर आपको दिख रहा होगा सर्च, या अपने कीबोर्ड का F1, फंक्शन 1, F1 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट आ जाएगा। जैसे गूगल में सर्च करते हैं, यहाँ सर्च करें, जैसे कि मुझे एक्सेल के सारी शॉर्टकट्स लिस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट सर्च कर दिया, कीवर्ड शॉर्टकट का सजेशन भी आ गया, सर्च कर दिया। सर्च करते ही यहाँ देखिए, कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल और ऑल्सो ऑफिस आ गया। अब इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके सारे शॉर्टकट अवेलेबल है। अब पहली ही क्लास में आपको हम शॉर्टकट्स के बारे में क्यों बता रहे हैं, रीजन ये है कि मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता हूं क्लास के अंदर। रीजन ये क्योंकि आप मेरे कीबोर्ड को नहीं देख पा रहे हैं, बट माउस कर्सर को तो देख पा रहे हैं ना। हमने एक सिलेक्ट करके क्या फीचर अप्लाई किया वो पता चल जाएगा आपको माउस एक्शन से, बट कीबोर्ड एक्शन से पता नहीं ना चलेगा। इसलिए पहले ही क्लास में हम आपको कीबोर्ड शॉर्टकट दे देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की जरूरत क्या है। देखिए, आप हर फंक्शन को, हर फीचर्स को माउस या कीबोर्ड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से अप्लाई करते हैं तो माउस का अपेक्षा 30% जो है फास्ट हो जाते हैं आप। और इमेजिन कीजिए कि किसी इंटरव्यू में आप गए और इंटरव्यू ने कुछ चीज लगाने को बोला, आप जो है खट 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 इस तरह का आवाज आ रहा है ना माउस का, सुन रहे होंगे कीबोर्ड का आ रहा है ना, और आपका उंगली एकदम मैजिक की तरह चल रहा है, सामने वाले को इंप्रेस होगा ना,
इफेक्ट पड़ेगा यार, सबसे प्रैक्टिस है इसके पास, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट को संस्कृत की श्लोक की तरह आप रट्टा नहीं मार सकते क्या, उसको तो प्रैक्टिस करना होगा ना उंगली पे। इसलिए हमने आपको बताया शॉर्टकट, तो आप यहां से निकाल लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि इसको रट्टा मारे हो जाएगा, आप इसकी प्रिंटआउट निकाल के अपने वर्क स्टेशन पे लगा लें, और आपके ऑफिस में कुछ ऐसा टाइम होगा जहां पे काम आपके पास बहुत ही कम होगा, ऐसे केसेस में आप जो है माउस का बिल्कुल यूज ना करें, अवॉइड करें, कीबोर्ड पे करें। धीरे धीरे वो घंटे दो घंटे आपका पूरे टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी कीबोर्ड पे कमांड हो जाएगी। और इसमें और कुछ सर्च करना, जैसे कि एक चीज और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है अमित जी एंड मैम, इसको स्टडी कर लीजिएगा। एक और चीज आपको स्टडी करनी है, वो है लिमिट्स। क्या है लिमिट्स? एक्सेल की लिमिटेशंस। जब लिमिट्स को सर्च करेंगे तो यहाँ आपको आएगा एक्सेल लिमिटेशन स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स। तो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो किस फीचर का क्या मैक्सिमम लिमिट है वो आपको यहां पता चल जाएगा। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट एक बार कैजुअली पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि कितने नंबर रो है, कितने नंबर कॉलम है, कॉलम की विड्थ कितनी हो सकती है, रो की हाइट कितनी हो सकती है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक सेल में टाइप किए जा सकते हैं, कितने शीट्स इंसर्ट की जा सकती है। अब किस केसेस में क्या है ना, कुछ लोग अनलिमिटेड बोल देते हैं, जैसे कि सीट इन द वर्कबुक, यहाँ पे लिखा है लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। अब कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं अनलिमिटेड। देखिए कंप्यूटर में अनलिमिटेड शब्द का यूज करना सही नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीट इंसर्ट किया, तो सीट फोर की एक या दो बाइट या थोड़ा सा स्पेस होगा ना, कैप्चर तो किया होगा सिस्टम में, क्या बोले अमित जी? और हमारा सिस्टम अनलिमिटेड स्पेस वाला तो नहीं, हमारे सिस्टम की स्पेस की लिमिटेशन तो है ना। जी जी, सेम उचित रहा कि एक क्रिकेट मैदान के अंदर आप एक सुई रख दो, तो कितने सुई रख सकते हो आप बोले तो अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड तो नहीं होगा ना। जब सुई रखना शुरू होगा कभी ना कभी तो फिल भर जाएगा ना। जी जी, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी, समझे? इसकी जरूरत ही पड़ जाती। जैसे कि यहां पे देखिए रो कॉलम बेड, अब मान लीजिए कि नॉर्मल तो आप एक्सेल में क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट किया और कॉलम के हाइट को बढ़ा दिया, लेकिन क्या होता है आप जब इसी चीज को वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज करें तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको लिखना पड़ता है कॉलम बिड, आपको बहुत बड़ी बिड्स चाहिए, तो आप क्या करते हैं आप कोड लिख देते हैं कि भाई कॉलम बिड्स इक्वल टू 500, लेकिन 500 इज द एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, उस समय एरर देगा। इसलिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसको थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। तो आज आपको दो चीज पढ़ना, एक तो आपके जो सिलेक्शन मेथड की जो बताया इसकी प्रैक्टिस को करना है, उसके बाद आपको क्या करना है लिमिट्स को और एक्सेल शॉर्टकट्स को, ये दो चीज को स्टडी करना है, ठीक है?